द रियल स्टार इज हियर। एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन और स्वागत हो जाए। तो हम हैं ये ओपनिंग सेरेमनी में ललकी टिकुलिया वाली, ये मुझे लग रहा है कि इतिहास बनने वाला है सर। आपके गाने, आपके जुबान और गोल्डी जी का साथ में। अच्छा, हमारे को भैया के क्वेश्चन ही बाकी, ललकी टिकुलिया वाले मिलनी की ना, तो अब हम कैसे बताए ललकी टिकुलिया वाले तो नहीं किया भाई। हाँ, बाकी वीडियो में मिला रही हमने के दिल्ली में, तो अभी खातिर क्षमा प्रार्थी बने जामने के, वहाँ के सूट चलता कहीं और नहीं कि यहाँ पे रक्षा गुप्ता जी जो उनकी काम के लिए बने, शिल्पी जी अभी आ रहा बने जो उनकी शिल्पी जी अभी साथे डुइट गोले बने। और आपको बता दें कि गोल्डी भैया, ये गोल्डी तनेजा जी हैं जो कि हम लोग के भोजपुरी के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारे वो गोल्डी जयसवाल भैया हैं जो कि वीडियो डायरेक्ट किए हैं, और कोरियोग्राफर हमारे बॉबी सर हैं। कोरोना सबको बता दें कि सबसे पहले धन्यवाद भैया आपके से कि हमने के तो पर्दा पे दिखे नहीं जा, हर वक्त कहीं भी फ्रंट पे रह जाए वो हीरो गायक, लेकिन आप राइटर म्यूजिक डायरेक्टर सबके इन्विटेशन दे दी, वीडियो डायरेक्टर, ये हमारा बड़ा अच्छा लागल था। और सोच कहें कि आपके पता हुआ अगर एगो लड़का के साधारण लड़का के हीरो बनावे में यहाँ सबके बड़ा हाथ होगा, एक रूम में बैठ करके राइटर कितना तपस्या करता है, क्या सोचता है कि क्या लिख दो अपने भाई के लिए, तो एक लिरिसिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है एक सिंगर के जीवन में, और एक वीडियो डायरेक्टर का बड़ा योगदान होता है उसको पर्दे पे किस तरीके से दिखना है कि हमारा हीरो अच्छा दिखे। तो राम सोच के सलाम भक्त जो अंडोरा इतना अच्छा कार्य के लिए सबके बुलाओ में जी। और भैया लोग के का क्वेश्चन रहे, तू सतावो ना, हमरा से चाहिए तू बतावो ना, कि के हुना उठला दोले उठला नी बारुका, उठला नी बारुका। और एक बात था, ये ललकी टिकुलिया वाली बोल खाली बारुका, ललकी टिकुलिया वाली बोल खाली बारुका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारे गुंडी भैया को जिन्होंने इतना तेज दिखाया, और पहले ही भैया बोल दिए थे कि हमको चीज ऐसा चाहिए, तो ये बोलने वाला बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं, और हमारे भैया आगे से बोलते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट टू मुझे, इसीलिए बेस्ट वन आया है, और हम आपके साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। और हमारे गुंडी भैया बहू भैया जिन्होंने इतना अच्छा कोरियोग्राफ में डायरेक्ट करके इतना अच्छा वीडियो खूबसूरती के साथ दिखाया है, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। तो हर वक्त अपन भाषा में कुछ कुछ अच्छा गीत लेके आवत रहने जा, परिवारिक गीत लेके आवत रहने जा, बस ओकरा पीछे कोनो लालच नहीं थे, बस ये थे बा, ये एम बा, हमने ये फोकस बा कि अपन भोजपुरी में जहाँ अगर दोनों का हर टाइप के गीत आ रहा बा, लोग कुछ कहत भी बात ऐसा भी गीत आवा था, लेकिन आप ऐसे भी गीत को सुनिए कि हम परिवारिक गीत भी गाते हैं, हम भाई भी गीत गाते हैं, माँ बाप भी गीत गाए हैं, भाई बहन का प्यार क्या होता है,
तो रोना पता वहां करने के बीस बीस में लेके आओ तैनी जाही से कि भोजपुरी के कोई कबो ये दृष्टि से ना देखे हमने की हर वक्त कोशिश रहेगा और पूरा भोजपुरी थैंक यू सो मच मेरे भाई। थोड़ा हम बात कर लेते हैं अपने भैया लोगों से, मीडिया कर्मी जितने लोग आए हैं, क्योंकि ये आदरणीय है। और आपको बता दें कि हमारे भोजपुरी से आज तीन लोग सांसद के रूप में है। आपको पता है मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया और दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया, आपको पता है। तो देखिए हमने के भोजपुरी कहीं से कम नहीं थे, हमने के भोजपुरी के कलाकार आज तीन को सांसद के रूप में बाढ़े, आपके पता था। तो वहां सब भी मांग कर रहा बानीजा कि हमने के भोजपुरी आठवीं अनुसूची में शामिल होके, आपके पता था गूगल ट्रांसलेट पे भी हमने के भोजपुरी भाषा के स्थान मिल गई। तो हर लोग कार्य कर रहा अपना तरीका से, हमने के भी छात्र बिहार सरकार से निवेदन करता नहीं, अगर हमने के बात आप सुनता नहीं कि हमने के बिहार में भी सब्सिडी दी, ताकि हमने के जोन आपन बिहार के होके जाने जा कहीं अदर राज्य में काम करे खातिर, तो वो हमने के आपन भोजपुरी में आपन बिहार में कार्य कर जाओ, कहा कि बिहार के लोग के ऐसा रोजगार मिले। आपके पता हुआ एक वो फिल्म बनेला जब ना, तो 100-150 लोग के टीम होला जो भी कार्य करेला। अब आप बताएं कि जब 100-150 लोग अपना यहाँ काम करे, जब अपना बाहर ना जाएंगे पड़ी तो रोजगार बढ़ी। हमने के भी चाहता नहीं जा कि भोजपुरी में भोजपुरी फिल्म में बिहार में सब्सिडी चालू होके, ताकि हमने के भी कहीं और जाए के ना जरूरत पड़े और अपना घर में रह करके बढ़िया बढ़िया पिक्चर, बढ़िया बढ़िया गाना, बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज। अंकुश जी क्या होता है, अंकुश जी आप लोग भोजपुरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अभी जी, आप लोग साफ सुथरा गाना भी लाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी भोजपुरी में जो कलाकार आ रहे हैं नए नए और आते के साथ जाति पर जो गाना गाते हैं बबुआन अहिरान पंडितान, ये सब कैसे शोभा देता है, क्योंकि आप लोग बोलते और ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल भोजपुरी में, बहुत ज्यादा अश्लीलता फैल गई है। जे भी लोग जाति के लेके गाना गा रहा होगा बिल्कुल गलत बात, कहीं से सपोर्ट नहीं किया कर हमने के, और इतना करके हम अपन बारे में ध्यान देता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते। कि आप देखिए मानी कि हमने के हर वक्त कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे सर, और ये प्रयास होने के आजीवन जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार शिल्पी जी आई है, शिल्पी जी भी रूरा सबसे बात करो, हम माइक दे रहे शिल्पी जी के, आप सबके कुछ क्वेश्चन बा तो शिल्पी जी से भी कर सकता नहीं, आप सब आराम से आपके कुछ भी क्वेश्चन बा तो आप शिल्पी जी से भी कर सकते। सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम, जितने भी लोग आए हुए अंकुश भैया को नमस्ते, सर को नमस्ते, और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। और आज अंकुश भैया का और मेरा टिकुलिया ललकी टिकुलिया एल्बम का नाम है, काफी अच्छा गाना है। आप सभी को कैसा लगा ये गाना? थैंक यू सो मच। रोज कह के पीछा सतावो ना, का हमरा से चाहे तू बतावो ना। कोनो नाम के लगले उठलाली मरुका ए ललकी टिकुलिया वाली, बोलथाली मरुका ए ललकी टिकुलिया वाली, बोलथाली मरुका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अंकुश जी, ललकी टिकुलिया वाली आपने गाना गाया तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग वाली है, तो कहीं प्रेम तो नहीं हो गई आपको? देखिए बिना प्रेम के कैसे कोई गाना गाए, प्रेम तो बांध हो, आपसे प्रेम बा हमारा, शिल्पी जी से प्रेम बा, भैया से प्रेम बा, वहाँ बोली भैया से प्रेम है, राजा भैया से प्रेम है, प्रेम तो है। लाइफ में है कि नहीं कोई? लाइफ में कोई? लाइफ में रोजा मैंने हमारा की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट बोले गए डायरेक्ट
गर्लफ्रेंड का है। हम ये चार ताने के घर एक ब्याह कर लिया। गर्लफ्रेंड नहीं है मतलब लड़की तो गुड़िया खाली क्यों बोल रहे हैं? गर्लफ्रेंड पटाने के चक्कर नहीं तो बोल रहे हैं। हमो लड़के वाले हूं तो मतलब तरी एंजॉय हमने कभी करे नहीं जा, लेकिन एको दायरा मेरा करके एको पर्दा मेरा करके चाहे नहीं जा कि हमने कभी एंजॉय करे जा इंसान बने जा। बाकी एको अपन जो संस्कृति के लाश भाई बचा के रखे के बाद हर वक्त हर कोई की जिम्मेदारी बने था। बस हमने कभी करने के लेता माने जैसे तनी मनी कभी एंजॉय कर ले जा फनी मूड के गाना बा, बाकी कोनो बात नहीं थे। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि फनी मूड का गाना है जी, तो आजकल दुअर्थी सॉन्ग बहुत आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी का मर्यादा हमारा गाना कैसा लगा ये बताइए। हमारा गाना सही है ना? बस अगर कोई कहे कि वो लड़की टुकलिया वाली बड़ा खाली बड़ी बात है, मैं कोनो दुवर तरीके जाती हूं। नहीं 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 खत्म। लेकिन सिर्फ आपके बोलने से, क्योंकि आप बहुत आपके साथ को रोकना चाहिए, आपके साथ पूरा अगर ना सब लोग हमरा बताओ था ना कि कोई के दोष देने की जरूरत नहीं थी। अगर सब लोग केवल ये ठान लेवे ना कि हमार अपन काम ईमानदारी से करे के बाद और साफ सुथरा गावे के बाद, बस बात खत्म। अच्छा कुछ दिन पहले के सार जी कॉन्फ्रेंस किए थे और कहे थे कि फिल्म तो बन रही है लेकिन बिहार में वैसा थिएटर नहीं है, तो क्या कहेंगे? सब हो जाएगा, वैसा प्रोडक्शन सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। अभी थिएटर हुई नहीं, मतलब उस तरह का बजट लगती है लेकिन उस बजट को मतलब आ नहीं पाता, रिकवर नहीं हो पाता। देखिए सब लोग के सपोर्ट करने की जरूरत बाटे। देखिए खाली हमने क्या करना, नकारात्मक बात के लिए तनाव हुई बात सुने थाने, तो निगेटिव बात करने से नहीं होगा, ठीक है? हमने के सब लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आगे आवे के हुई और निश्चित रूप से हम कहता नहीं कि हमने के भोजपुरी भाषा बहुत ही बड़ा बाइक आवरा बहुत ही बड़ा बा। कहीं से रोरा आपन भोजपुरी भाषा के अगर कम आ रहा बानी तो हमारा हिसाब से शायद आप बड़ी गहराई में जाके भोजपुरी की नहीं थी देखा। शिल्पी जी, शिल्पी राज जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माटी हमार माई है, ठीक, और हमने के कार्यकर्ता बने जा और काफी कोशिश शुरू से बात जब से हम गावा था नहीं तब से कोशिश का कि अच्छा मैसेज दे, अच्छा मार्केट में गिर जाओ और आप सब सुनते वाली कैसे गाना लगे ला हमने के गाना जो भी आ गया। शिल्पी जी, लड़की टिकुलिया वाली से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत सारी उम्मीदें हैं, कमाल मचाएगी। काफी हम लोग का सॉन्ग आया भी है पिछला कई सारा और इससे भी उम्मीद है कि ये भी बहुत बड़ा सॉन्ग बने, इसको भी 1,000,000,000 क्रॉस की कराइए आप सभी, क्योंकि बहुत उम्मीद है इस गाने से, काफी साफ सुथरा भी और अच्छा भी है। चलिए बधाई शिल्पी और अंकुश राजा आप सबों को, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को।